वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू लर्न विथ मी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, वो भी वेरिएबल वाले। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने सर्कल वाले पढ़े थे और वो भी वेरिएबल के साथ, ठीक है। आज भी हम स्क्वायर वाले पढ़ेंगे, वो भी वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन हिंदी पे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इंग्लिश पे ये रहा, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, इसे मैं दो स्लाइड पे लेके आऊँगी। ये पहली स्लाइड है, ठीक है, ये पहली स्लाइड है, इस पे आधा क्वेश्चन, उसके बाद हम चलेंगे दूसरी स्लाइड की तरफ, ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन को हम नोट करके अपने पास अभी रख लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एट फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट फोर ऑफ देम सिट ऑन कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। एक स्क्वायर टेबल में आठ व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिनमें से चार कहाँ बैठे हुए हैं? कॉर्नर पे, और चार कहाँ बैठे हुए हैं? मिडिल पे, ठीक है। कॉर्नर पे हैं चार, और चार कहाँ पे हैं? मिडिल पे, ठीक है। तो हम इसे लिख लेते हैं, कॉर्नर और मिडिल। अब कोई भी कॉर्नर और पे आएगा हमें पता चलेगा तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, मिडिल पे आएगा तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और क्या बोल रहा है? इतना हो गया। वाइल फोर सीट इन द मिडिल ऑफ ईच ऑफ द फोर साइड्स, ठीक है, मतलब एक स्क्वायर टेबल है, उसमें चार व्यक्ति कॉर्नर पे हैं और चार व्यक्ति मिडिल पे, अभी तक इसने ये बताया हमें, ठीक है। और क्या बोल रहा है? ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट मोटर बाइक्स, ठीक है। अब सभी को अलग अलग मोटर बाइक है, तो अब मैं इसे हटा लेती हूँ और मोटर बाइक के नाम लिख लूँगी, ठीक है। कौन कौन सी मोटर बाइक पसंद है? विच इज़ एवेंजर, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ए वी ई एवेंजर, ठीक है। और पल्सर हमने लिख लिया पी यू एल, ठीक है, यहाँ पे जी भी लिख लेते हैं, एवेंजर पल्सर। और क्या है? सुजुकी एस यू जेड लिख लिया हमने, ठीक है। और क्या है? यमाहा वाई ए एम लिख लिया हमने, ठीक है। और कौन सी है? करिश्मा के ए आर लिख लिया हमने, ठीक है। और कौन सी है? स्प्लेंडर, ठीक है, एस पी एल लिख लिया हमने। अपाचे ए पी सी लिख लिया हमने, ठीक है। एक्टिवा ए सी टी लिख लिया हमने, ठीक है। इतना हम लोगों ने लिख लिया है। अब क्या बोल रहा है? इन्फॉर्मेशन क्या बोल रही है? और आगे द वन हु सिट्स ऑन द कॉर्नर्स फेस द सेंटर। अब बोल रहा है कि जो कॉर्नर पे बैठे थे वो कहाँ देख रहे हैं? इनसाइड, ठीक है। कॉर्नर वाले कहाँ देख रहे हैं? इनसाइड। तो अब मैं ऐसा डायग्राम बना लेती हूँ, ठीक है। कॉर्नर वाले का फेस ले लेते हैं हम इनसाइड, ठीक है। तो मिडिल वाले और कहाँ, क्या बोल रहा है आगे? मिडिल वाले बाहर की तरफ होंगे, है ना। हु सिट्स इन द मिडिल ऑफ द साइड्स फेस आउटसाइड, ठीक है। जो क्या है? मिडिल भाग में बैठे हैं उनका फेस कहाँ है? आउटसाइड, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन बोल रहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? ऐसा डायग्राम बना लिया, ठीक है। कॉर्नर वाले इनसाइड और मिडिल वाले आउटसाइड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे? बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, पर वो इसी ऑर्डर में नहीं बैठे हुए, ठीक है भैया। अब क्या बोल रहा है? देखो, इतना तो हम लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को नोट कर ली। अभी क्या, चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। उस पर आगे की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अभी हम उसे देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा अगली स्लाइड, ठीक है। क्या बोल रहा है? देखो, यहाँ से इन्फॉर्मेशन चालू हो गई। क्या बोल रहा है? ए हु लाइक्स पल्सर। अब मुझे पता चल गया ए को क्या पसंद है, ए को पसंद है पल्सर, मैंने लिख लिया ए, पल्सर के नीचे ए लिख लिया मैंने, ठीक है। फेसेस द सेंटर, अब मुझे पता चल गया सेंटर की तरफ कौन देख रहा है, सेंटर की तरफ देख रहा है ए, ठीक है, मतलब इनसाइड, है ना, सेंटर की तरफ ए है, इनसाइड देख रहा है। और क्या बोल रहा है? सीट्स थर्ड राइट ऑफ एफ। अब मैं ले लूँगी कि ए क्या है? थर्ड राइट पे है किसके? एफ के, ठीक है। और क्या बोल रहा है? ई हू फेसेस सेंटर, ई भी कहाँ देख रहा है? सेंटर, ए ई सेंटर पे है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? लाइक्स एक्टिवा। अब ई को क्या पसंद है? एक्टिवा, एक्टिवा के नीचे लिख लिया हमने ई, ठीक है, ये एक्टिवा के नीचे आ गया ई हमारा, ठीक है। और क्या बोल रहा है? इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, कौन नेबर नहीं है एफ का? ई, तो हमने लिख लिया ई क्या है? नेबर नहीं है किसका? एफ का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे इन्फॉर्मेशन? ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच केवल एक ही व्यक्ति आएगा, मैंने एफ लिख लिया, जी लिख लिया, इनके बीच एक गोला बना दिया जिससे मुझे पता चल गया दोनों के बीच एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है।
और क्या बोल रहा है, एंड दे लाइक करिश्मा एंड सुजुकी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, मतलब क्रमशः करिश्मा और सुजुकी उनको पसंद है। देखो एफ था, फिर जी था, फिर करिश्मा था, और क्या था, सुजुकी। तो मतलब जी को सुजुकी पसंद है, एफ को करिश्मा पसंद है, ठीक है। तो करिश्मा कहाँ रहा, ये रहा, करिश्मा को हमने लिख लिया एफ और जी को लिख लिया हमने सुजुकी, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, देखो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई, अब क्या बोल रहा है आगे, यहाँ तक का हो गया हमारा। डी हु डज नॉट लाइक स्प्लेंडर, अब मुझे पता चल गया डी को क्या पसंद नहीं है, डी को पसंद नहीं है स्प्लेंडर, ठीक है, मैंने लिख लिया एस पी एल, डी को पसंद नहीं स्प्लेंडर। सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, अब डी क्या है, सेकंड राइट पे है, किसके सेकंड राइट पे है, बी के, ठीक है। और क्या बोल रहा है आगे, क्या बोल रहा है, देखो सिर्फ सेकंड राइट ऑफ बी हो गया, अब हु लाइक्स, अब किसको बोल रहा है, डी को, ठीक है। डी है, बी है, किसको बोल रहा है, डी को नहीं बोल रहा है, ये किसको बोल रहा है, बी को, क्योंकि बी के बाद हु लिखा हुआ है, तो किसके लिए यूज़ हो रहा है, हु, बी के लिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, बी हु लाइक्स नाइदर एवेंजर नॉर स्प्लेंडर, मतलब बी को एवेंजर भी पसंद नहीं है, बी को हमने लिख लिया, बी को एवेंजर भी पसंद नहीं है और स्प्लेंडर भी पसंद नहीं है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, डी फेसेस सेंटर, देखो अब ए और ई सेंटर थे, डी भी सेंटर देख रहा है, ठीक है, तो हमने लिख लिया डी भी सेंटर देख रहा है। अब क्या बोल रहा है, सी इज़ नॉट एन इमीडिएटली नेबर ऑफ ए, अब मैंने लिख लिया सी किसका पड़ोसी नहीं है, सी नेबर नहीं है किसका, ए का, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एच लाइक्स अपाचे, देखो अब अपाचे एच पसंद करता है, ठीक है। अब गाड़ियों का कितना पता चल गया मुझे, पल्सर पता चल गया, एक पल्सर कौन पसंद करता है, ए सुजुकी, जी करिश्मा, एफ अपाचे, एच एक्टिवा, ई, ठीक है, इतना पता है। और क्या पता है, देखो बी को पसंद नहीं है एवेंजर और स्प्लेंडर, एवेंजर नहीं आना बी, स्प्लेंडर नहीं आना बी, तो बी के लिए कौन सी प्लेस बची, यमाहा, ठीक है। बी किसको, बी को क्या पसंद आ गया, यमाहा, ठीक है। अब ये क्या हो गए, छः हमारे फिक्स हो चुके हैं, ठीक है, ए जी बी एफ एच ई, इनका हमें बाइक मोटर बाइक पसंद पता चल गया कि कौन कौन सा पसंद है, ठीक है। ये वाली इन्फॉर्मेशन हो गई हमारी, बी को स्प्लेंडर और एवेंजर पसंद नहीं, मैंने इसे हटा दिया, ठीक है। अब बोल रहा है डी को, देखो गाड़ी से रिलेटेड एक और दी हुई है, डी को स्प्लेंडर पसंद नहीं, मतलब डी यहाँ पे नहीं आना, तो डी के लिए की प्लेस बची कहाँ, ये वाला, ठीक है। डी को क्या पसंद आया, एवेंजर, तो अब बचा कौन, ए बी हो चुका है, सी बचा, ठीक है। सी को क्या पसंद आ गया, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर किसे पसंद आ गया, सी को। अब बाइक तो मेरी जम गई कि एवेंजर डी को पसंद, पल्सर ए, सुजुकी जी, यमाहा बी, करिश्मा एफ, स्प्लेंडर सी, अपाचे एच, एक्टिवा ई, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन को भी हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है, देखो अब क्वेश्चन को हमें देखते जाना है, क्या बोल रहा है, एफ के थर्ड राइट पे ए है, अगर मैं एफ कॉर्नर पे ले लूँ, मुझे अभी नहीं पता F कहाँ पे है, ठीक है, बट मुझे A का फेस पता है, ठीक है। तो F को अगर मैं यहाँ कॉर्नर पे ले लूँ, तो F कहाँ, F के थर्ड राइट पे लेना है, तो राइट साइड ये आ जाएगा एक, ये दो, और ये क्या गए, तीन पे A आ गया, ठीक है, तीन पे A आ गया। और A का फेस कहाँ चाहिए मुझे, सेंटर की तरफ, तो A का फेस सेंटर पे इनसाइड पे आ रहा है क्या, नहीं, A का फेस तो आउटसाइड आ गया यहाँ पे, है ना, A के फेस क्या आ गया, आउटसाइड, तो यहाँ पे आएगा क्या, A नहीं आएगा, तो F भी यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब F कॉर्नर पे नहीं आएगा, तो F मैं कहाँ लूँगी, मिडिल पे, ठीक है। अब फेस मिडिल का तो बाहर है, तो राइट साइड कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, राइट साइड। तो F के थर्ड राइट पे पहला राइट, ये दूसरा राइट, ये तीसरे राइट पे कौन आ गया, A, और A का फेस सेंटर है, बिल्कुल A का फेस सेंटर है, ठीक है, मतलब F कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और A कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। F और A तो हमारे अरेंज हो गए, ठीक है, एफ और ए हमारे अरेंज हो गए, ये इन्फॉर्मेशन यूज़ हो चुकी है, एफ़ के थर्ड राइट पे ए है। देखो और क्या बोल रहा है, ई भी क्या है, सेंटर पे है, ठीक है, ई क्या है, सेंटर पे है, और ई नेबर नहीं है एफ का, मतलब ई यहाँ नहीं आना, ई यहाँ नहीं आना, ए सेंटर की तरफ देख रहा है, इनसाइड, अब इनसाइड एक तो ए देख लिया, और यहाँ पे आना नहीं, यहाँ पे आना नहीं, तो ए के सी के लिए कौन सी प्लेस बची, सॉरी ई के लिए कौन सी प्लेस बची, ये वाली, ठीक है, ई भी फिक्स हो गया हमारा, ठीक है, ई भी फिक्स हो गया हमारा। और ये कैसे बन रहा था, ये हमारा ऐसे हमने बैठा रखा है स्क्वायर पे, ठीक है, ए फिक्स हो गया, ई फिक्स हो गया, एफ फिक्स हो गया, ई नेबर नहीं था एफ का, इसे भी हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है देखो, यहाँ तक का यूज़ हो गया, ई नेबर नहीं एफ का, अब मैं क्या देखूँगी, बी के सेकेंड राइट पर डी है, और मुझे पता है डी कहाँ आना है, डी किनारे पर ही आना है, मतलब
कॉर्नर पे आना है, क्योंकि डी कहाँ देख रहा है, सेंटर, और कॉर्नर वाली सेंटर देख रहा है, मुझे पता है सेंटर पे है डी का फेस, तो या तो डी यहाँ आएगा या तो डी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम डी को लेके देख लेते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, डी को अगर मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, तो डी तो यहाँ पे आ गया, तो डी के सेकेंड राइट पे बी आएगा क्या, सॉरी बी के सेकेंड राइट पे डी आना है, तो बी अगर यहाँ ले लूँ तो ये तो लेफ्ट साइड हो गया बी का, बी के लेफ्ट पे सेकेंड लेफ्ट पे डी आ रहा है, पर मुझे क्या चाहिए, बी के सेकेंड राइट पे चाहिए, तो बी यहाँ पे आएगा क्या, नहीं, तो बी यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे आ गया, ठीक। कैसे पता चला, ये फेस हो गया सेंटर की तरफ, डी का फेस सेंटर चाहिए था क्योंकि हमें यहाँ से, और डी के सेकेंड बी के ये बी यहाँ पे आ जाएगा, तो बी के ये पहला राइट, ये दूसरे राइट पे कौन आ गया, डी आ गया, ठीक है। तो बी के सेकेंड राइट पे डी आ गया, इतना अरेंजमेंट हो चुका है, ठीक है, ये वाली भी इंफॉर्मेशन हमारी यूज़ हो चुकी है। अब बोल रहा था देखो, सी नेबर नहीं है ए का, मतलब सी यहाँ नहीं आना, सी यहाँ नहीं आना, तो सी के लिए कौन सी प्लेस बची, ये वाली, यहाँ पे सी फिक्स हो गया, ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन हमारी यूज़ हो गई। अब क्या बोल रहा है, एफ़ और जी में एक व्यक्ति है, तो एफ़ और सी में एक व्यक्ति इधर आ गए, तो एफ़ और जी इधर आ जाएगा, जी यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। अब बचा कौन, ये इन्फॉर्मेशन भी यूज़ हो गई, और ए डी ई का तो हम यूज़ कर ही चुके हैं कि वो कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की ओर इनसाइड देख रहे हैं, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भी हमारी क्या हो गई, यूज़ हो गई। अब कौन बचा है यहाँ पे, एच, ठीक है, तो एच को हमने कहाँ फिक्स कर लिया, यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया, अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, ठीक है। एक एक इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया हमने, एक एक इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हमने अरेंजमेंट बना ली अपना, ठीक है, और जैसे जैसे लिंक करते जा रही थी, कड़ी जुड़ते जा रही थी, वैसे वैसे हमने इसको बनाते गए, ठीक है। यहाँ वाले जो बीच में बैठे हुए थे वो कहाँ देख रहे थे, बाहर की ओर, और जो किनारे बैठे थे वो कहाँ देख रहे थे, सेंटर की ओर, ठीक है। और बाइक्स दिया हुआ था, उस बाइक्स को भी हमने क्या किया, अपना अरेंज कर लिया, ठीक है। बाइक्स का इसमें हमें अलग से इसी के साथ अरेंज करना नहीं पड़ा, क्योंकि ये क्या था, डायरेक्ट डायरेक्ट हमारा अरेंजमेंट हो जा रहा था, ठीक है। तो आज मैं केवल एक क्वेश्चन लेके आई थी, और उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँची होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए सेशन को एंड अप करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।